जब बेटा नहीं बोला, आज मां रोने लगी है, बुरी तरीका से सोचने लगी है, परमपिता परमेश्वर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो राजन परीक्षित, आज रानी तारा जो थी अपने पुत्र को दफनाने के लिए सोचने लगी, आज मेरे पास पुत्र को लपेटने के लिए कुछ है भी नहीं। आज माँ ने साड़ी में से आधी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़ करके अपने पुत्र की लहस को लपेट लिया और लहस लपेट करके आज मरघट की ओर जा रही है। आज मरघट की ओर जिस समय चली है रानी तारा, बढ़ती हुई चली जा रही है। हरे शतधर पहरा पर लगे हुए हैं वो उस मरघट में, लेकिन हुआ ऐसा, जब कुछ पत्तों में आवाज दिखाई सुनाई दी, उसी समय पर हरिश्चंद ने आवाज लगाई है, कौन